ओम शांति। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इनस कुक बुक। आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं मैं देती हूँ। और हम दिवाली के लिए स्नैक्स तो बना लिए, तो अब हम आगे दिवाली की स्वीट बनाएंगे, गुजिया, ड्राई फ्रूट गुजिया हम बनाएंगे। तो इसके लिए हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कैसे सॉफ्ट, क्रिस्पी एंड फ्लेवरफुल गुजिया हम बनाएंगे। तो घुघरा यानी गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम गुजिया का ऊपर का लेयर बनाने के लिए हम आटा बना लेते हैं। तो इसके लिए ऑल पर्पस फ्लार 150 ग्राम्स, घी 50 ग्राम चाहिए, यानी मैदे के 1/3 का पार्ट। और घी को हमें रूम टेम्परेचर पर लेना है। अब उसको अच्छे से मस लेंगे और फ्लार में क्रम्बल जैसा हो जाए तब तक हम मस लेंगे। हम इसमें और थोड़ा घी डालेंगे और फिर मिक्स करेंगे अच्छे से। एक साथ में घी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल के देखते जाना है। अभी हमारा आटा और मोइन अच्छे से मिक्स हो गए, लड्डू जैसा लोट एकदम साथ में मिल गए। तो अब इसमें हम पानी डाल के आटा बना लेते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसका सॉफ्ट आटा बना लेंगे। अभी हमारा आटा गून के रेडी हो गया। वैसे हम आधा घंटे के लिए रेस्ट देंगे। तो अब हम गुजिये का स्टफिंग बना लेते हैं। तो इसके लिए हमें 2 टेबलस्पून घी चाहिए, काजू बादाम और पिस्ता तीनों मिला के 1 कप, बारीक सूजी 2 टेबलस्पून, 1 कप खोया यानी जितना ड्राई फ्रूट इतना ही खोया लेना है, 1 कप शुगर पाउडर यानी खोया, ड्राई फ्रूट और शुगर पाउडर का माप सेम ही रहेगा। और गुजिये को फ्लेवरफुल बनाने के लिए केसर और इलायची पाउडर। अब हम गुजिये का स्टफिंग बना लेते हैं। इसके लिए हमें बादाम, पिस्ता और काजू तीनों ड्राई फ्रूट को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, उसका मॉइस्चर उड़ाने के लिए। तो अभी हमारा ड्राई फ्रूट रोस्ट हो गया है। तो गैस की आंच को बंद करके उसको थोड़ा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आने देते हैं और उसे ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हमने जो बारीक सूजी लिया है उसको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। आप उसको घी के साथ भी रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ड्राई रोस्ट कर रहे हैं, हल्का सा रोस्ट करना है। अभी हमारा सूजी रोस्ट हो गया, उसे ठंडा करने के लिए बाउल में निकाल लेते। अब हमें जो खोया लेना है वो भी ड्राई रोस्ट कर लेते। तब तक उसको रोस्ट करना है कि खोए में से घी बाहर निकल आए। ये खोया हमने घर पे मलाई में से बनाया है, लेकिन आप खोया बाहर से मार्केट से ला सकते हो। और खोया में बिना शुगर का लाना है बाहर से। अभी हमारा खोया सोते हो गए, थोड़ा कलर भी आ गए और घी भी बाहर निकल आया है। तो अब हम जो हमने ड्राई फ्रूट ठंडे करने रखे थे उसको हम मिक्सर में पीस लेते हैं।
अभी हमारा ड्राई फ्रूट का पाउडर रेडी हो गया है। उसको ज़्यादा क्रम्बल भी नहीं रखना है और फाइन पाउडर भी नहीं बनाना है, बीच का रखना है। तो अब हम गुजिया का स्टफिंग बनाएंगे। अब हमने जो खोया सोते किया था उसमें ही हम गैस की आंच को स्टार्ट करके ड्राई फ्रूट पाउडर और सूजी डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। पहले अच्छे से मिक्स कर लेते। जो हमें स्टफिंग थोड़ा ड्राई लगता है तो हम थोड़ा इसमें घी डाल के रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है क्योंकि हमने अलग अलग सब रोस्ट करके रखा था। अब हम अच्छे से सब मिला लेंगे और थोड़ा रोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने खोया सूजी और ड्राई फ्रूट सबको अलग से रोस्ट किया था। तो अब गैस की आंच को बंद कर देंगे। तो अब हम उसे ठंडा करने के लिए बाउल में निकाल देते हैं। तो अब हमारा स्टफिंग ठंडा हो गया है। उसका स्टफिंग बनाने के लिए और क्या क्या चीज़ चाहिए वो देख लेते हैं। उसमें जो हमने स्टफिंग बनाया था वो शुगर पाउडर, केसर और इलायची पाउडर। कोई कोई लोग इसमें नटमेग पाउडर यानी जायफल भी डालते हैं, लेकिन मेरे घर में पसंद नहीं है तो मैं नहीं डालती। स्टफिंग बनाने के लिए हमने जो रोस्ट करके रखा था खोया सूजी और ड्राई फ्रूट का मिक्सर, उसमें हम शुगर पाउडर डालेंगे। आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हो। और अब हम इसमें इलायची पाउडर और केसर डालेंगे। और अब सबको अच्छे से मिला लेंगे और टेस्ट करने के बाद हमें शुगर डालनी है तो डाल सकते हैं। अब हम इस मिक्सर को थोड़ा हाथ से मिलाएंगे तो थोड़ा घी बाहर निकल आएगा। और स्टफिंग अब हमारा रेडी हो गए। तो अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। तो अब हम गुजिया यानी घुघरा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके पहले हमने जो आटा गूंद के रखा था हम उसको थोड़ा मसल के अच्छे से सॉफ्ट बन गए हैं। अब हमारे गुजिया का आटा और स्टफिंग दोनों रेडी है। तो अब हम गुजिया बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम आटे में से पेड़ा बना के हम छोटी पूरी बना लेंगे। पूरी नहीं पतली नहीं मोटी बेलनी है। गुजिये का आकार दो तरीके से हम दे सकते हैं। एक तो आप मोल्ड में भी कर सकते हो और एक हाथ से बना सकते हो। और अब उसे फोल्ड करके साइड के दो कॉर्नर दबा देने हैं। और बाद में हाथ में लेके खोल के उसको उसमें स्टफिंग भरना है। चमची से स्टफिंग डालेंगे और स्टफिंग थोड़ा दबा के भरना है हमें, नहीं तो गुजिया अंदर से सॉफ्ट रहेगा और उसमें हवा भर जाएगी तो फ्राई होते समय घुघरा खुल जाता है। इसलिए गुजिये को सील करना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। अब उसकी बॉर्डर को शुरू से लेके अंत तक ट्विस्ट करना है। पतली पतली चिपटी के टाइप उसको ट्विस्ट करना है। आप देख सकते हो कैसे करना है।
ऐसे ही हम और गुजिया बना लेते हैं और उसको मलमल में के कपड़े को भीना करके उसको ढक के रखना है फ्राई होने तक। घी को हमने स्लो आंच पे रख दिया था, तो आप देख सकते हो घी अब गर्म हो गया है हमारा। घी को एकदम ज़्यादा गर्म नहीं करना है और उसको स्लो आंच पे फ्राई करना है। उसको हल्के आंच से पलटाना है और उसको एक एक करके पलटाना है, एक साथ में पलटाना नहीं है, नहीं तो खुलने का डर रहता है। आप देख सकते हो अब हमारे घुघरा फ्राई होके रेडी हो गए। हम उसको घी में से निकाल लेंगे। ऐसे ब्राउन और पिंक कलर हो जाए तो हमें बाहर निकालना है। इस तरह हम बाकी के गुजिये भी फ्राई कर लेते हैं। हमने जो मटेरियल लिया था उसमें से हमने 25 गुजिया बनाया। आप देख सकते हो गुजिया बनाने के बाद उसका कलर और फ्राई होने के बाद उसका कलर में कितना डिफरेंस है, तो इसे हमें फ्राई करना है। अभी हमारे सारे गुजे फ्राई होके रेडी हो गए। रेडी है गुजिया दिवाली में न्यू ईयर में गेस्ट को सर्व करने के लिए।